गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडेज माई टॉपिक इज फाइंड द एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। ओके बेटा, पहले हम कर चुके हैं 23 को, ये सम्स सोल्व किए थे हमने, ठीक है। और आज हम करेंगे एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। ओके बेटा, एग्जांपल फर्स्ट, एड 429 एंड द 384। सबसे पहले बेटा ये नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें पुट द नंबर इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम में लिखना है, ठीक है ना। स्टेप टू में हमें क्या करना है, एड द डिजिट इन वंस कॉलम को हमें ऐड करना है। वंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है बेटा, 9 एंड 4, ठीक है। 9 एंड 4 कितना होता है, हाउ मेनी नंबर बेटा, 9 एंड 4 विच इज द लार्ज नंबर, 9। जो बड़ा नंबर होता है बेटा उसको हम माइंड में कीप करते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उन्हें हम फिंगर पर काउंट करते हैं। ओके, जैसे 9 नंबर कीप इन माइंड एंड 4 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो हमने माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे, टेक 9 10 11 12 13। 13 वंस में क्या है बेटा, 13 आया। अब 13 का जैसे ये है, अब ये क्या है वंस है और ये क्या है टेंस है, तो वंस प्लेस को वंस प्लेस में लिखना है 3। ओके, कैरी ओवर 1 इन टेंस प्लेस पर। ओके, अब हमें क्या करना है, 110 जो वन ये आया है 1 कैरी ओवर इन टेंस प्लेस पर लिखना है। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, 8 2 एंड 1 को प्लस करेंगे, राइट 3 इन वंस कॉलम एंड 1 इन द टेंस कॉलम। अब ये 1 को क्या हम लिखेंगे, टेंस कॉलम में लिखेंगे 8। अब हमें प्लस करना है 8 2 एंड 1 को। अब देखिए बेटा, विच इज द लार्ज नंबर, 8। 8 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर, 1 2, और ये 1 बेटा ये है 1। ओके, टेक 8 9 10 11। 11 क्या है, 11 का राइट 1 इन 10 कॉलम एंड 1 इन 100 कॉलम। ओके बेटा, अब 1 को हम क्या 100 कॉलम में लिखेंगे। अब हमें इन तीनों को फिर थ्री डिजिट्स को, ये जो 4 3 एंड 1 को, इन डिजिट्स को प्लस करना है, ठीक है। 4 एंड 3 कितना होते हैं बेटा, 7 7 एंड 1 8, राइट 8 इन द 100 कॉलम में लिखना है। ओके बेटा, आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल टू भी बेटा आपको एज इट इज करना है, ठीक है। ये तो सोल्व है, अब मैं आपको ये वाले सम सोल्व करा देती हूँ। पेज नंबर 36, फर्स्ट सम्स बेटा, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एड द वंस कॉलम, हमें वंस कॉलम को है जो एड करना है। 9 एंड 4 कितने हुए बेटा, 13। 13 का क्या आएगा, 3 कैरी ओवर 1 इन टेंस कॉलम में, टेंस कॉलम में लिखना है 1। अब हमें इन थ्री डिजिट्स को प्लस करना है 6 5 और 1 को। अब इनमें से देखना विच इज द लार्ज नंबर, 6। 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 5 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2 3 4 5। ओके, टेक 5, टेक 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 और बेटा एक ही कैरी प्लस करना है 1, 12। तो 12 का क्या जाएगा, 2 कैरी ओवर 1 इन 100 कॉलम में लिखना है ना, राइट 2 इन टेंस कॉलम एंड 1 100 कॉलम में, और 1 क्या लिखना है, हमें 100 कॉलम में लिखना है। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है, 4 3 एंड 1 को। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है बेटा, 4 है। 4 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2 3। ओके, और 1 बेटा जो हमारा कैरी आया है, ठीक है, क्लियर बेटा। 4 5 6 7 एंड 1 8, राइट 8 इन 100 कॉलम में हमें लिखना है बेटा। सीधा सेकंड सम्स अब हमें ये सोल्व करना है। ओके, एट द वंस कॉलम, पहले हम किसको ऐड करेंगे, एट द वंस कॉलम को। अब इसमें वंस कॉलम में कौन कौन सी डिजिट है बेटा, 6 एंड 7। 6 एंड 7 कितने होते हैं बेटा, हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर 6 एंड 7, 13। 13 का क्या आएगा बेटा, 3 कैरी ओवर 1 इन 10,
टेंस कॉलम में, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इनको प्लस करेंगे, एट एंड नाइन को, नाइन एंड एट को प्लस करेंगे और ये वन को प्लस करेंगे। अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर बेटा, नाइन। नाइन नंबर कीप इन माइंड एंड एट नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके एट। एंड बेटा एक जो ये आया हमारा क्या है, ये कैरी आया है। अब इसको भी हम यहाँ प्लस कर लेंगे, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एट और नाइन को प्लस कर लो, वो लास्ट में कर लेना बेटा। एट एंड नाइन कितने हो बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर, टेक नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन। सेवनटीन में वन प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, एटीन। एटीन का क्या है बेटा, एट, राइट एट इन टेंस कॉलम एंड वन इन हंड्रेड कॉलम में लिखना है, कैरी ओवर लगाना है, पर कैरी ओवर वन, ठीक है। अब देखिए जीरो को जब हम किसी, जीरो को हम किसी भी नंबर से प्लस करेंगे तो बेटा नंबर ही आता है। नाइन एंड वन क्या कितने हो गए बेटा, टेन, ओके। अब नेक्स्ट हम देखिए बेटा सेवन एंड सिक्स, अब एट द वही सेम एट द वंस कॉलम, हमें क्या करेंगे, वंस कॉलम को ऐड करेंगे। कौन कौन से नंबर है बेटा इसमें, सेवन एंड सिक्स, सेवन एंड सिक्स नंबर है। सेवन एंड सिक्स कितने होते बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर, सेवन नंबर कीप इन माइंड एंड सिक्स नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। टेक सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। थर्टीन का क्या है बेटा, थ्री, कैरी ओवर वन इन टेंस कॉलम, ओके एट द टेंस कॉलम। अब हम क्या करेंगे, टेंस कॉलम को ऐड करेंगे। सेवन एंड सिक्स क्या बेटा, हम देखो यहाँ पे हमने काउंट किया था ना, सेवन एंड सिक्स कितने हुए थे, हाउ मेनी नंबर, टोटल नंबर थर्टीन ना, तो ये भी सेवन और सिक्स कितने हुए बेटा, थर्टीन। थर्टीन का थर्टीन हो गए, थर्टीन में वन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्टीन। फोर्टीन का क्या आएगा बेटा, फोर, राइट फोर इन टेंस कॉलम एंड वन इन हंड्रेड कॉलम में, हंड्रेड कॉलम में हम कैरी ओवर लगाएंगे, ठीक है। अब सेवन एंड टू कितना बेटा, नाइन एंड नाइन एंड वन, टेन। अब आपको बेटा ये सारे सम सोल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट सम और देखिए, इसे भी सोल्व करा देती हूँ। जीरो को जब हम जीरो से प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जीरो। ये तो बहुत इजी है, जीरो को जीरो से प्लस करेंगे जीरो, एट में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एट एंड वन, नाइन। ये तो बहुत इजी था। अब हमने प्लस किया, एट हंड्रेड एंड हंड्रेड कितने हुए बेटा, इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा एट द वंस कॉलम, सबसे पहले हमें वंस कॉलम ऐड करना है। फाइव एंड सिक्स कितने हुआ बेटा, फाइव एंड सिक्स, सेम हमें ऐसे ही करना है। सिक्स जो बड़ा नंबर है उसे हम माइंड में रखना है, जो छोटा नंबर है उसे हमें फिंगर पर काउंट कर लेंगे, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, टेक सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। इलेवन का वन, राइट वन इन वंस कॉलम, राइट वन इन टेंस कॉलम में, ठीक है। जैसे बेटा देखो इलेवन है ये, अब इलेवन में मान लो हम वंस टेंस करेंगे तो ये वंस का वंस जो नंबर है वो वंस में लिखेंगे, जो टेंस को है टेंस में लिखेंगे, ठीक है। अब नाइन एंड फाइव कितने हुए बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर, नाइन, फाइव एंड वन, नाइन एंड वन टेन, टेन एंड फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव कैरी ओवर वन इन हंड्रेड कॉलम में, हंड्रेड कॉलम में कैरी ओवर लगाएंगे, ठीक है। फाइव एंड टू, सेवन एंड वन, एट, ओके। अब बेटा आपको ये फाइव सम्स मैंने सोल्व किए हैं और बाकी के सभी सम्स आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये क्लास वर्क है। इसी तरह से देखिए बेटा जब भी आप करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, देखिए बेटा आपको इस तरह से राइट करना है, ओके। यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है, डे, चैप्टर थर्ड, एडिशन, क्लास वर्क, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद कैरी ओवर, फाइंड द सम। बेटा जैसे आपके पास कलर होता है तो कलर से इसको आपको अंडरलाइन सुंदर सुंदर इस तरह से करना है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको कलर से करना है, ठीक है। यह क्लास वर्क,
जब आप होमवर्क करेंगे तो उसको चेंज कर देंगे, एज इट इज आप होमवर्क में भी सेम लिखेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, क्लास वर्क की जगह होमवर्क करना है। ओके बेटा, ये होमवर्क आपको बुक एंड नोटबुक दोनों में करना है, बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, क्लास वर्क भी। क्लास वर्क तो ये आप करेंगे, ये 5 sums तो सॉल्व हो चुके हैं, बुक में आपको ये बाकी के जो भी सम्स बचे हुए हैं ये आपको कंप्लीट करना है। बेटा आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आप घर पर भी किस तरह से देखो प्लस करेंगे, जैसे 2 and 5, 7, बेटा इस तरह से आप बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर, ठीक है। जैसे 2 and 2, 4, 3 and 4, 7, इस तरह से बेटा आपको फिंगर पर काउंट करने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको ये सब अच्छे से, जैसे देखिए जैसे ये है, अब समझे 6 and 5 कितना होते बेटा 11, आपको ऐसे फिंगर पर काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको अच्छे से जब क्लियर हो जाएगा, आपको काउंट करना आ जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है। ओके, थैंक यू बेटा।